On the issue of Russia-Ukraine, we tabled paras 3 and 4, which are reproduction of the text from the Bali leaders' declaration. If two countries, Russia and China, did not agree to that, you need to ask them about why exactly, on how their perspectives, or do they no longer. India ne apni position clear rakhi hui hai. उन्होंने अपनी 8 गुना ट्रेड बढ़ा दी, कोई 38 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को, ब्रिटिश सरकार को, या ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता, क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट वाले आपको इतने ठुड्डे मार रहे हैं सर, इतने जूते लगा रहे हैं, वो इतना बाजू मरोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, तुम लोग अपनी औकात भूल गए थे, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। हम, हमारी ईगो इतनी क्यों ज्यादा है कि हम कराची में दुबई के जरिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज हम बॉर्डर खोल के यहाँ से नहीं मंगवा सकते। आप इंडिया का टुकड़ा भी पड़े, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा, दिस इज पैथेटिक, आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। वो कौम जो 75 साल में कुछ ऐजाद ना कर सकी, कोई जिद्दत ना ला सकी, एक गाड़ी ना बना सकी, एक मोबाइल फोन ना बना सकी, अपने बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं स्टेट ए इन ओ लेवल, स्टेट ए इन ए लेवल्स, और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त, इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, उसके बाद से भारत ने रशिया को लगातार तेल देना चालू कर दिया है। पहले जहां भारत रशिया से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, वहीं अब भारत रशिया से कई बिलियन डॉलर्स के ऑयल खरीद रहा है, और अब इसकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि भारत चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है रशिया से तेल खरीदने के मामले में। और अब रशिया कह रहा है कि वह जितना हो सके उतना भारत को तेल सप्लाई करता रहेगा, भले इसके नतीजे में चाइना को तेल की कमी पड़ जाए, पर रशिया भारत को तेल सप्लाई करना रोकेगा नहीं। और दूसरी खबर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं पिछले साल जब बाली में G20 समिट की मीटिंग हुई थी, तब सभी कंट्रीज ने मिल करके रशिया को कंडेम किया। उस कम्युनिके में रशिया को कंडेम करते हुए हर एक कंट्री ने साइन भी किया, लेकिन दोस्तों अब भारत में चल रहे इस G20 की मीटिंग में रशिया को कंडेम करते हुए भारत ने दो पैरा ऐड किया अपने कम्युनिके में, जिसमें रशिया और चाइना ने साइन नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये। मैं इस पर बात करूंगी 2-3 एंगल से, खास तौर पर 2 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता, क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते, हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में, तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त, इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियोपॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद हैं। चलें बात स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो मैंने कर दी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने बहुत सारे हैं। मैंने सोचा पहले एक प्रोग्राम इस पर कर लें, फिर हम देखेंगे कि किस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, और जब कल मीटिंग होगी फिर क्या हमारे पास सिनेरियो आता है। एक तरफ हमने, मैंने आपको अपने पिछला लाइव उठाकर देखिए, इससे पहले जो मैंने लाइव किया उसमें मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है,
पाकिस्तान भी हब बना हुआ है, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज का, क्राइसिस का, मुश्किल का। और जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बस हमारे जो हैं वो नुक्कड़ पे, यानी कि बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है वहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर से लेकर और कौन कौन सा कंट्री नहीं है जिसकी डिग्नेटरीज वहाँ पर ना आ रही हूँ। 1 एंड 2 मार्च जो है वो इन मीटिंग्स के चलेंगी। अगर कोई इतना बड़ा कंट्री, एक इतना पावरफुल कंट्री जो कि ताकतवर कंट्रीज़ हैं, वो अगर अपने बेनिफिट के लिए, और देखते हैं कि हमने तो अपनी इकोनॉमी का देखना है, हमने तो अपनी लोगों का देखना है, वो अगर बातचीत कर सकते हैं अपने ऐसे कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, या दुश्मनी विश्मनी की जो बातें की, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी नाक क्यों इतनी ऊँची है? हमारी ईगो इतनी क्यों ज़्यादा है कि हम कराची में दुबई के ज़रिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज हम बॉर्डर खोल के यहाँ से नहीं मंगवा सकते। हम इतना पैसा खर्च करेंगे कि दुबई के ज़रिए कराची प्याज आएगा, फिर वो दूसरे पूरे मुल्क में पहुँचेगा, फिर वो लाहौर पहुँचेगा, लेकिन हमारा लाहौर अमृतसर का बॉर्डर मौजूद है, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। आखिर क्या वजह है? इस पर सोचने की ज़रूरत है। इंडियंस कहते हैं कि जी, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लियरली क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर, वो ये है कि जो IT डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस के लिए गैदर की हैं और इस तरह की, कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की। मैं आपको बताता चलो, आज से थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो भी, और वो भी आई थिंक इफ़ आई वुड से दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह चीज़ों को डील कर रहे हैं। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है वो फेल हो गया है BBC के डिफेंस में खड़ा होने में, और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। ठीक है जनाब, अब इंडिया जो है वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखें कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है, और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू दी इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा, क्या ये अब ये क्वेश्चंस हैं, क्या इंडिया जो है इस तरह अमेरिकी मीडिया के साथ कर सकता है, ये एक क्वेश्चन, और इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? आज जारी बात है बीबी के साथ साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन आप देखें हाउ इंडिया स्मार्टली बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने BBC को क्रिटिसाइज किया एंड दैट बिकेम अ नेशनलिस्ट इशू, दे बिकेम इट अ कॉलोनियल इशू। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इंडिया ये कह दें कि एनफ इज एनफ, वी नाउ फील दैट रशिया हैज डन सम, शुड स्टॉप डूइंग दिस, इस तरह के खाली बातें कर देना, दैट इज गोइंग टू बी एनफ फॉर अमेरिका, एंड देन इट कैन कंटिन्यू बाइंग ऑयल and doing what it is doing. But बिल्कुल सही, जैसे verbal, ताकि वो अपनी पब्लिक को कह सकें कि we succeeded in changing India's policy and we have isolated Russia, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं 2025 का forecast देख रहा हूँ, 2025 के forecast से नजर आ रहा है कि Russia is going to grow faster than the US economically. और अब जो 2022 की economy है Russia की, it just shrunk by 2% बस, मतलब ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी रशिया की। आपको याद है कैसे बातें हो रहे थे शुरू में कि रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को, इंडिया का $35 बिलियन का है, चाइना ने $190 बिलियन का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022, दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन वॉट द वेस्ट हैज डन फॉर यूक्रेन। ये और बात है कि वेस्ट फुकट में दे रहा है यूक्रेन को पैसे, तकरीबन $100 बिलियन के करीब है वो, अमेरिका ने अभी तक 71 दिए, यूरोप ने कुछ 30 दिए, बाकी सब मिला के 120 बिलियन यूक्रेन को मिले हैं, उसके बदले यूक्रेन की जाने जा रही हैं, तबाह हो रहा है मुल्क। अलबत्ता ये दो मुल्कों ने रशिया से जो तेल खरीदा है उससे रशिया को $225 बिलियन का फायदा हुआ है फॉर द बिजनेस, सो द इकोनॉमी इज नॉट टैंकिंग जिस तरह से वो समझ रहे थे। और जब तक ये दो मुल्क ट्रेड करते रहे रशिया से, वेस्ट की नॉन मिलिट्री स्ट्रेटजी टू क्रश रशिया विल फेल।